back to my channel, which is Flaunt in Desi. I am Ankita and I hope all of you are doing really well. So मैंने की है नायका से अराउंड 10,000 की शॉपिंग विच आई एम गोना शो यू इन दिस वीडियो. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई बॉट दिस मेकअप रिवोल्यूशन मैक्सी रीलोडेड ड्रीम बिग पैलेट. ये एक्चुअली यू नो आई जस्ट ट्रेवल्ड फ्रॉम पुणे टू भोपाल एंड ये ट्रैवलिंग में काफ़ी ख़राब हो गई है, बट आई रिसेंटली बॉट इट एंड आई हैव ट्राइड सेवरल कलर्स ऑफ दिस पैलेट एंड ये आई लुक जो आप देख रहे हैं मैंने इसी पैलेट से क्रिएट किया है. काफ़ी बड़ी पैलेट है एंड एज यू कैन सी आई ओपन इट फॉर यू गाइज. एज यू कैन सी काफ़ी बड़ा पैलेट है ये. काफ़ी सारे इसमें शेड्स हैं, काफ़ी सारे शिमरी शेड्स हैं, काफ़ी सारे मैट शेड्स हैं. सो काफ़ी अच्छा पैलेट है, बट इसका मैं कंप्लीट रिव्यू इस वीडियो में आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि काफ़ी बड़ा पैलेट है एंड अगर मैं सारे स्वॉचेस शेयर करूँ एंड पूरा डिटेल रिव्यू शेयर करूँ तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा. सो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ एंड व्हेनेवर आई विल अपलोड दैट वीडियो आई विल ऐड दैट इन द आई बटन और एल्स यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट यू विल गेट अपडेट व्हेनेवर आई अपडेट दिस वीडियो एंड या सो थोड़े बहुत स्वॉचेस आई विल शो यू. सो लेट्स सी दिस वन. I will take a shimmery shade. Okay. Okay, guys. So, can you see the pigmentation? काफी pigmented colors हैं and काफी ज़्यादा and काफी अच्छे colors दिए हुए हैं इसमें. But you will have to wait to see all the swatches. So this palette actually retails for 2150 and I bought it for no discount from Nykaa. So yeah. So the next product I bought is this brush set by Pack. So this is a Pack Absolute Basic brush set which contains 14 brushes. This brush set retails for 4950 and again I got it for no discount on Nykaa. So basically this comes with this pretty pouch and इसमें काफ़ी सारे you know additional pouches दिए हुए हैं so that you can keep other stuff or other brushes as well. So basically इसमें 1 2 3 4 5 okay 5 face brushes are given in this and there are about 8 eyeshadow brushes and one pencil brush is given in this set. So इसका भी कंप्लीट रिव्यू मैं आपको बाद में सेपरेटली दूंगी क्योंकि ये काफ़ी सारे ब्रशेस हैं एंड आई विल हैव टू शो यू हाउ आई डू माई मेकअप विद दीज ब्रशेज वेदर आई एम सेटिस्फाइड विद दिस और नॉट. सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस एंड दैट ऑल्सो आई विल एड इन द आई बटन. सो द नेक्स्ट इज दिस मेबलिन न्यूयॉर्क कलर सेंसेशन क्रीमी मैट लिपस्टिक. तो दिस इज द शेड 636 लाइवली वॉयलेट. इट एक्चुअली रिटेल्स फॉर ₹299. इस लिपस्टिक का टेक्सचर मुझे काफी अच्छा लगा. काफी लो एंड लिपस्टिक है 299 में. काफी अच्छा यू नो इसका टेक्सचर है. अराउंड 2-3 आवर्स ये आराम से रह जाती है. आई एक्चुअली थॉट टू यू नो अप्लाई दिस लिपस्टिक इन दिस वीडियो बट ये कैमरे में आई नोटिस कि ये बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी. सो आई एक्चुअली अप्लाइड दिस बट इसके ऊपर मैंने एक दूसरा लिपस्टिक लगा लिया विच इज फ्रॉम शुगर एंड ये जो लिपस्टिक मैंने लगाया है ये एक्चुअली आज ही आया है. शुगर के बहुत सारे लिपस्टिक एंड मेकअप प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर किए हैं जिसका हॉल वीडियो मैं जल्द ही बनाने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून्ड. या सो इसका स्वॉच मैं आपको करके दिखाती हूँ. सी इसे आप डेली वेयर में यूज कर सकते हैं. आई एक्चुअली वॉन्टेड टू यूज इट ऑन कैमरा बट आई थॉट इट इज टू लाइट ऑन कैमरा. सो आई एम रियली सॉरी गाइज फॉर दैट. Okay, so let's see the next product. The next product I bought is this tea tree oil by Nykaa. So this retails for ₹350 and the main reason I bought this product is due to acne. My skin is very sensitive. Makeup apply करने के बाद जब मैं remove करती हूँ मुझे rashes आ जाते हैं and you know white pimples आ जाते हैं. So I have heard a lot about this product that it is antifungal. So I have started using this product and
I am gonna try this for several times and I am gonna let you know whether it really works for me. How I'm using it is, I have used it just after applying my toner. So for the skin prep I have used, and after removing my makeup I am gonna use it again. So let's see whether it really helps in preventing those acne. So I am yet to check whether it really helps in preventing those acne and rashes. So the next product I bought is this Press Glitter by Pack. This retails for Rs. 500. थोड़ा high end product है because you know इतने price में आपको सिर्फ एक ही color मिलता है. I think Makeup Revolution के आपको 9 color मिल जाते हैं around 900 or 1000 rupees में. I actually wanted to buy that palette but वो out of stock हो गया, so I thought why not to try this one. So I bought this one. So this comes with this packaging and अंदर से ये ऐसा है. So काफी pretty color है and the company claims that you no need any glue to apply this glitter and also there are no fallouts. Yes, इसको apply करने के लिए आपको glitter नहीं चाहिए होता है. See, I have just touched it and ये मेरे हाथों में इस तरह से आ गया. Pigmentation बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इस glitter का, as you can see. And yes, fallouts इतना ज़्यादा नहीं है. अगर आप इसको ब्रश की हेल्प से यूज करेंगे तो यस ये थोड़ा फॉलआउट होगा, बट आई विल सजेस्ट यू टू यूज इट विद योर फिंगर्स सो दैट फॉलआउट नहीं होगा. एंड यस, अगर आप ग्लिटर यूज कर रहे हैं तो यू डू योर आई मेकअप फर्स्ट एंड देन डू योर यू नो बेस मेकअप एंड अदर मेकअप, क्योंकि अगर फॉलआउट होता है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं, राइट? या सो आई रियली लाइक दिस पैलेट. यस, मुझे थोड़ा कॉस्टली लगा बट यस द पिगमेंटेशन इज रियली गुड, रियली गुड. So the next product I bought is this Nykaa Skin Genius Conceal and Correct Palette in the shade Medium 02. The main reason I bought this palette is lockdown. Yes, actually I wanted a good concealer for my skin, but because of lockdown I cannot go out and check my shade. So I thought why not to buy this palette so that you know I can mix the colors and try it on my skin. So that's why basically I tried this and इसमें थोड़े contour shades हैं and they have this red one to you know hide your marks. So that is why I basically bought this. But I am really not that satisfied with this product. It retails for Rs. 1200 but I got it for 960 on discount. The reason being I'm not satisfied with this product is you know when I applied it under my eyes I really didn't like the texture too much. The skin started getting oily even after I applied powder after using it, and the darkest shade in this palette which I thought I will use for contour ये एक्चुअली लगाने के बाद थोड़ा ऑरेंजिश लगता है, सो इट डजंट रियली लुक लाइक कॉन्टूर. सो दैट्स व्हाई आई एम बिट डिसअपॉइंटेड विद दिस पैलेट. द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई बॉट इज दिस मेबेलिन न्यूयॉर्क द हाइपर कर्ल इजी वॉश मस्कारा. सो इसमें दो टाइप के मस्कारा आते हैं, दिस वन इज वॉशेबल एंड अदर वन इज वाटर प्रूफ वन. सो बट आई बॉट दिस वॉशेबल वन. This product retails for Rs. 310 and I really really love this mascara. मैंने अभी इसे अपनी eyes में use किया हुआ है and it really do the job as it says. So yeah, this is really good and at very good price. Last but not the least, I bought this Garnier cleansing water. So previously for cleansing my makeup I was using cream based cleansers. I was actually getting rashes with those cleansers, so I actually needed a cleanser which is water based, and as you can see this one look exactly like water and this is a really really good cleanser. Aap just ek swipe se aapka jo makeup hai wo remove ho jata hai and kyunki ye water based hai तो यू नो सेंसिटिव स्किन के लिए ये काफी अच्छा है. सो आई विल शो यू हाउ आई रिमूव माय मेकअप विद दिस प्रोडक्ट. एज फार एज प्राइस इज कंसर्न इट्स एमआरपी इज 175, क्वांटिटी इज 125 ml. सो या इट्स गुड क्वांटिटी एट गुड प्राइस. सो आई विल जस्ट शो यू गाइस हाउ आई यूज इट. सो आई टेक लिटिल अमाउंट, सॉरी. तो बेसिकली इसको मैं कॉटन में लेती हूँ
एंड आई जस्ट कीप इट फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन आई रिमूव इट. सो बिकॉज इट ग्लिटर है सो इट विल टेक सम टाइम टू रिमूव कम्प्लीटली, बट येस इट रिमूव द अदर प्रोडक्ट्स वेरी इजिली. So guys, this was all about today's haul video. I will soon come up with other haul of traditional wear and makeup products. So if you like the video, please like, share and subscribe to my channel and hit the bell button to never miss any update. I will see you in the next video. Bye bye.